वहीं रुको, सुबह से कहाँ गायब थे और फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा तुम्हारा? बैटरी डाउन थी इसलिए। सुबह सुबह 6 बजे ये कह के निकले थे कि क्लोजिंग चल रही है, ऑफिस जल्दी जाना है। मैं ऑफिस ही गया था। झूठ मत बोलो। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा, सुबह निकला तो मैं ऑफिस के लिए ही था। 3 बार फोन कर चुकी हूँ मैं ऑफिस में, सच सच बताओ कहाँ गए थे? और ये बैग किसका है? तुम्हारा कोई रिश्तेदार तो नहीं आ रहा है ना? अरे बोलने दोगी तब बताऊंगा ना। हाँ बोलो, सुन रही हूँ मैं। कल रात माँ और भाभी का झगड़ा हो गया। भाभी ने कह दिया कि अगर इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा। भैया ने भी भाभी को कुछ नहीं बोला। सुबह माँ ने मुझे फ़ोन किया, यह सब सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और माँ को लेने गाँव चला गया। क्या तुम माँ को यहाँ ले आए? अरे छोटे भाई के पास छोड़ देते। इस हालात में इन्हें छोटे भाई के पास छोड़ना मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए अपने साथ ही वाला है। और ये चली भी आई? ये भी नहीं सोचा कि हमारा किराए का मकान है और शहर में रहने का खर्च पता है ना? अरे गांव में बड़े भाई का खुद का मकान है, खेती बाड़ी भी करते हैं। और क्या हो गया अगर भाभी ने कुछ कह दिया तो? जहाँ 4 बर्तन है आवाज तो होगी ही ना यार, एक आदमी का कितना खर्चा बढ़ जाएगा। माँ हमारे साथ ही रहेंगे लेकिन बस कुछ दिन। हम बाद में बात करते हैं। हाँ इस घर में मुझे बोलने का हक तो है ही नहीं। अब बस भूख लगी है, खाना लगाओ। खाना नहीं बनाया मैंने, वो सुबह के चावल रखे थे मैंने खा लिए। तुम देख लो तुम्हें अपना और माँ का क्या करना है, मैं सोने जा रही हूँ। आइए। गए थे? हाँ तो तुम्हें क्या लगा? बेटा इसको लगा कि तू अपनी माँ को ले आया है। तू चिंता मत कर बेटी, मैं तेरे यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहूंगी। माँ तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ये तुम्हारा ही घर है, मैं तो बस कहना चाह रही थी। तू कहना क्या चाह रही थी? मैंने सब सुन लिया है, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, हमारी है। हम हमेशा लड़कों को दोष देते हैं और कहते हैं कि शादी के बाद बेटे पराए हो जाते हैं और बेटियां अपनी रहती हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि बेटों को पराया करने वाली भी एक बेटी होती है। ये जीवन चक्र है बेटा, अगर हमारी बेटी किसी के बेटे को पराया करेगी तो किसी की बेटी भी हमारे बेटे को पराया करेगी।